Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic objectives of sales motivation. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेल्स मोटिवेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स को चेकआउट करेंगे, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर हम सेल्स मोटिवेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं और हम ये बता सकें कि सेल्स मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस को डिफाइन करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस रेफरेंस इज टू कीप द स्पिरिट्स अप। सेल्स पीपल या सेल्स फोर्स के स्पिरिट को हाई रखने के लिए हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब सेल्स पर्सन के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस दी जाती है तो वेरी फ्यू प्रोस्पेक्ट्स आउट ऑफ हंड्रेड्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कस्टमर्स। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शंस को फेस करना होता है टू द सेल्स पर्सन। 100 में से 10 या 12 प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब कोल्ड कॉल्स का एक्सेस रहता है और इनके ऊपर एक टारगेट का भी प्रेशर होता है, क्योंकि एक टारगेट सेट किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन रिगार्ड ऑफ ईच एंड एवरी सेल्स पीपल जिन्हें इसे कंप्लीट करना होता है। तो इन कोल्ड कॉल्स की वजह से या फिर टारगेट प्रेशर की वजह से जो सेल्स पर्सन हैं वो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं या फिर वो डीमोटिवेटेड हो सकते हैं और उनका डिसइंटरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है इन रिगार्ड ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसी वजह से इसको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डीमोटिवेशन और डिसइंटरेस्ट से दूर करने के लिए सेल्स मोटिवेशन की मैक्सिमम लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है विद इन द सेल्स डिपार्टमेंट। बाकी किसी भी और डिपार्टमेंट की आप बात कर लीजिए, वहां मोटिवेशन की इतनी हाई लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी ज्यादा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर होता है और कोल्ड कॉल्स होती है जिसकी वजह से डीमोटिवेटेड फील करते हैं सेल्स एम्प्लॉइज। और अगर आप एक प्रॉपर मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम लेवल पर तो उससे क्या होगा, जो सेल्स स्टाफ है इनके माइंड में एक पॉजिटिव स्पिरिट क्रिएट होगी टुवर्ड्स सेल्स और वो हाईली मोटिवेटेड होकर एक प्रॉपर वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करने में अपने आप को कैपेबल फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड टू अचीव टारगेट्स। किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो उसके रेवेन्यू पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, और रेवेन्यू किस पर डिपेंड करता है? सेल्स एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि मार्केट में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? उसके सेल्स एम्प्लॉयज की, उसके सेल्स पर्सोनल्स की। और अगर सेल्स फोर्स पॉजिटिव वे में अपने टारगेट को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कर रही होगी तो मैक्सिमम लेवल तक वो टारगेट्स को अचीव कर पाएगी और उसके बेसिस पर फर्म का रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज हो सकेगा और उसके बेसिस पर फर्म या कंपनी की ग्रोथ को एंश्योर किया जा सकेगा और उसके द्वारा डिसाइड किए गए टारगेट्स को भी अचीव किया जा सकेगा। तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स फोर्स है वो अपने टारगेट के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अवेलेबल होनी चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टारगेट्स के रिगार्डिंग उतना ही बेटर वे में वो उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे और जब अचीव करेंगे उसको तो टारगेट उनका फुलफिल हो जाएगा और टारगेट फुलफिल होने से सेल्स के बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा और आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर वे में बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकोगे और उसके बेसिस पर कंपनी की ग्रोथ को एंश्योर कर सकोगे। तो कुल मिला के कंपनी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए और कंपनी की ग्रोथ को एंश्योर करने के लिए भी हमें सेल्स मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट इज द टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेल्स की इंपॉर्टेंस से क्या मतलब है हमारा? अगर हम सेल्स गाइस की डीमोटिवेशन की बात करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो अपनी लाइफ में राइट पोजीशन पर हैं, क्योंकि सेल्स की जॉब को वो एक प्रॉपर जॉब कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अपने सेल्स एम्प्लॉय से प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो कि जो जॉब वो कर रहे हैं दे
it is having a great importance, then it will help the firm to move in the forward direction. यानी कि फर्म अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ये विश्वास दिलाना होगा अपने एम्प्लॉइज को, सेल्स एम्प्लॉइज को, दैट दे आर डूइंग अ वेरी राइट जॉब. तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर पाएगी और अपनी ग्रोथ को एंश्योर कर पाएगी. इसका रिजल्ट क्या होगा? सेल्स स्टाफ हायर वे में मोटिवेटेड फील करेगा अपने आप को, और इसकी वजह से जो कंपनी है वो अल्टीमेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगी. तो अगर एम्प्लॉय अपने जॉब की इंपॉर्टेंस को प्रॉपरली समझ पाता है तो ये केवल पॉसिबल होगा हायर मोटिवेशन के बेसिस पर. और अगर वो एक बार अपने जॉब को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और उसके बेसिस पर कंपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में भी कैपेबल हो पाएगी. दैट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टू मेक देम ब्रेव. ब्रेव का मतलब क्या है? यहां पर जंग लड़ने नहीं जाना है उन्हें, लेकिन सेल्स किसी जंग से भी कम नहीं है. इट इज नॉट लेस देन अ वॉर, किसी युद्ध से कम नहीं है सेल्स करना, क्योंकि ये एक बहुत इजी टास्क नहीं होती है, क्योंकि आपको ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से मिलना होता है जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और फिर आपको प्रॉपर पिचिंग करनी होती है उन लोगों के सामने जिनसे आप पहले कभी भी नहीं मिले हैं. तो आप उनके बारे में बिल्कुल जानते भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है क्या बिहेवियर होगा उनका, क्या एटीट्यूड होगा, किस तरह से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या बिहेवियर आपके रिगार्डिंग को शो करेंगे. यू हैव नो आइडिया अबाउट सच टाइप ऑफ पर्संस व्हेन यू आर मीटिंग सच टाइप ऑफ पर्संस एट अ फर्स्ट ग्लांस. तो माइंड में एक डर रहता है सेल्स एम्प्लॉइज के कि कहीं उनकी जो सेल्स कॉल है उनको फेल ना कर दिया जाए. तो एक फियर ऑफ रिजेक्शन कहीं ना कहीं सेल्स पीपल के माइंड में रहता है, और ये इन सेल्स पीपल को लगातार पैरालाइज करता रहता है और सेल्स प्रोसेस को ये रेसिस्ट करना शुरू कर देता है. यानी कि आपकी सेल्स प्रोसेस इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती है. यानी कि अगर आप सही से अपने कस्टमर्स को डील नहीं कर पा रहे हो तो सेल्स प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होगी. तो सेल्स प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले तो आप अपने कस्टमर्स को डील करना सीखें, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को डील करना सीखें. जब डील करना सीख जाएंगे तो एक टाइम के बाद आप क्लोज सेल्स को क्लोज करने में भी कैपेबल हो पाएंगे. तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? एक प्रॉपर सेल्स मोटिवेशन को फॉलो करना. अगर आप एक थोड़ा सा भी सेल्स मोटिवेशन दे देते हैं सेल्स एम्प्लॉइज में तो उसके बेसिस पर उनको डील करना सिखाया जा सकता है कस्टमर से, और इसके लिए 3 R's का यूज किया सकता है, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट. इन तीन R's का यूज करते हुए कोई भी पर्टिकुलर सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मोटिवेट कर सकता है. जो भी वर्क उसके द्वारा किया जा रहा है, जो भी परफॉर्मेंस दी जा रही है, उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाए, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर रिवॉर्ड्स उसे पे किए जाए और उसके बिहेवियर को लगातार रीइंफोर्स किया जाए. तो अगर ये 3 R's को प्रॉपरली फोकस किया जाता है तो उसके बेसिस पर प्रॉपरली सेल्स फोर्स को मोटिवेट भी किया जा सकता है. और अगर ऐसा करता है कोई भी सेल्स मैनेजर या कोई भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन तो फिर जो सेल्स पर्सन है वो इस फियर को प्रॉपरली फेस करने में कैपेबल हो पाते हैं और एक लॉन्ग वे में अपनी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करते हैं. दे बिकम ब्रेव इन फ्रंट ऑफ स्टिफ सेल्स टारगेट्स, और अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने में वो ब्रेव हो जाते हैं, उन्हें अब डर नहीं लगेगा. दे विल नॉट फील एनी ऑफ द फियर ऑफ रिजेक्शन इफ दे आर प्रॉपरली मोटिवेटेड. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद इन द टीम. टीम के अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना है, तो उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सेल्स मोटिवेशन की हाईली रिक्वायरमेंट होती है. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाई परफॉर्मेंस सिचुएशन लाइक सेल्स, पुअर परफॉर्मेंस कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल फॉर द वर्स एंड मेक हिम इंफीरियर टू हिज हाई परफॉर्मिंग टीम. हम बात करते हैं उन पर्टिकुलर सिचुएशंस की जहां हाई परफॉर्मेंस की हमेशा डिमांड की जाती है, जैसा कि सेल्स में हमेशा
सेल्स पीपल से या सेल्स एम्प्लॉयज से या सेल्स पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाई लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करेंगे, और अगर इस सिचुएशन में इनकी तरफ से कोई भी पुअर परफॉर्मेंस प्रोवाइड की जाती है तो ये एक वर्स सिचुएशन को क्रिएट करेगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल्स एम्प्लॉयज जिसने पुअर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करी है। और फिर वो क्या करेगा, वो अपनी हाई परफॉर्मिंग टीम के सामने खुद को इंफीरियर फील करेगा, और अगर खुद को वो इंफीरियर फील करेगा तो उसका जो असर है वो उसकी परफॉर्मेंस पर लगातार पड़ता ही रहेगा, क्योंकि इस इंफीरियरिटी की वजह से वो अपने आप को लूजर फील करेगा। लूजर फील करेगा तो उसका मोटिवेशन लेवल लगातार डाउन होता चला जाएगा, वो डिस्करेज हो जाएगा, और जो फर्दर उसके पास टारगेट्स रहेंगे या जो फर्दर एक्टिविटीज होंगी उसको वो फुल हार्टेड वे में फॉलो नहीं कर पाएगा। तो अब इस सेल्स पर्सन को इन्फीरियरिटी से सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग जो सेल्स मैनेजर्स हैं उन्हें मोटिवेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, एक प्रॉपर सेल्स मोटिवेशन इनको प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये फील कराना होता है सेल्स पर्सन को कि ही कैन डू द वर्क विच ही इज प्रोवाइडेड और ही कैन अचीव द टारगेट विच ही इज गिवन। उसे एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस फील कराया जाता है बाय द सेल्स पर्सन, वो भी एक प्रॉपर मोटिवेशन के साथ में, और इस तरह से जो सेल्स पर्सन है उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए और उसे वापस वर्क की तरफ मूव कराने के लिए एक प्रॉपर मोटिवेशन की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, और इस तरह से वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय खुद को प्रॉपरली मोटिवेटेड फील करता है और कॉन्फिडेंट फील करता है, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा टीम के हर मेंबर के अंदर, एक प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होगा, जब तक कंप्लीट टीम आपकी मोटिवेटेड नहीं होगी तब तक टीम के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन को क्रिएट नहीं किया जा सकेगा, और जब ये प्रॉपर कॉन्फिडेंस होता है टीम के हर मेंबर के बीच में, कंप्लीट टीम मोटिवेटेड होती है तो टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग लगातार बढ़ती चली जाती है, और इस प्रॉपर इंक्रीज्ड बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर ऑपरेशन के किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाने में वो अपने आप को कैपेबल फील करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसकी कोऑर्डिनेशन, टीम के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने में हमें सेल्स मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मोटिवेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।